बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू महमूद फैंसी पोल्ट्री फार्म। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। नए वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नया वाली वीडियो आप लोग के पास पर पहुँच सके। आज इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे कि सर्दियाँ आ रही हैं तो आपने अपने बर्ड्स का कैसा ख्याल रखना है और क्या क्या प्रिकॉशन चाहिए। आप देख सकते हैं हमने प्लास्टिक का यूज़ किया है उनको कवर करने के लिए। 15 बीस का प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, इनको आगे शीट लगाई हमने पूरी तरह से कवर किया, साइडों से भी कवर किया। ध्यान रहे कि आपने वेंटिलेशन का भी ध्यान रखना है, ये हमने एक साइड खुली छोड़ी है वेंटिलेशन के लिए इनको लिए, ताकि इनके जो शेड में अमोनिया गैस पैदा ना हो, क्योंकि अमोनिया गैस बहुत ही खतरनाक होती है इनके इन बर्ड्स के लिए, मुर्गियों के लिए ख़ास तौर पर। आप देख सकते हैं मेरे बर्ड्स वाइट बेंटम माशाल्लाह से अंदर बैठे हुए बहुत कम्फर्टेबल फील कर रहे हैं। इनका जो बिस्तर है नीचे जो सारा बुरा बिछाया हुआ हमने वो भी सूखा हुआ सारा, वो भी ख़ास तौर पर हमें ख्याल रखना है कि वो गीला ना हो। अगर गीला होता है उससे अमोनिया गैस पैदा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अमोनिया गैस आपने किसी सूरत पैदा नहीं होने देनी अपने शेड के अंदर। आप देख सकते हैं गोल्डन सफारी हमारे माशाल्लाह से बहुत हेल्दी एक्टिव हैं, घूम रहे हैं अंदर ईजीली, बहुत कम्फर्टेबल फील कर रहे हैं ये। तो आप लोगों ने स्पेशल ध्यान रखना कि आपके शेड के अंदर अमोनिया गैस पैदा ना हो। अगर अमोनिया गैस पैदा होती है तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, जैसे आपके मुर्गे बीमार हो सकती हैं, आपको उनको नज़ला हो सकता है, बहुत सी चीज़ें ऐसी चीज़ें जो आप बार वक्त कर लें तो आप बीमारियों से बच सकते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो अमोनिया गैस ज़्यादा हो जाएगी और आपके बर्ड्स मर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।